चुके हैं बर्मिंघम एयरपोर्ट पे और यहाँ से हमने एग्ज़िट किया है और एग्ज़िट करके हमें कार रेंटल वाले टर्मिनल पे जाना है, वहाँ से अपनी कार उठानी है। इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमने एग्ज़िट करके पहुँच रहे हैं, तो देखते हैं यूके में ड्राइविंग का कैसा एक्सपीरियंस है। मेन तो मेरा यही पर्पस है देखना कि फर्स्ट टाइम यूके में गाड़ी चला रहा हूँ तो कैसा एक्सपीरियंस है। पहुँच गए उस एरिया पर जहाँ से कार पिकअप करी जाती हैं, कार रेंटल्स, और यहाँ पर सारे ही ऑफिसेस हैं जैसे यूरोप कार, सिक्स्ट, एवेस वगैरह। तो हमने अपनी कार पिक कर ली है और ये है हमारी गाड़ी जिसका नाम है सिएट एरोना और काफ़ी सही कंडीशन में गाड़ी लग रही है, कोई स्क्रैचेस, कोई डैमेज कुछ नहीं है। और इसको हमने पिक किया था एक कंपनी है जिसका नाम है अलामो और यही एयरपोर्ट में पूरा कार रेंटल का पिकअप है, मतलब यहाँ पर हर कंपनी की कार मिल जाती है। काफ़ी इजी प्रोसेस था, पहले से प्री बुकिंग थी, हमने सारा पेमेंट कर रखा था। इन्होंने बोला कि आपका इंश्योरेंस जो है उसमें 2000 पाउंड्स का एक्सेस है, अगर मान लो कोई भी डैमेज होता है तो हमें 2000 पाउंड्स मैक्सिमम अपनी तरफ से पे करने पड़ेंगे और उसको भी हम ज़ीरो करा सकते थे 30 पाउंड्स पर डे के रेट को ऐड करके, तो वो मैंने नहीं कराया। मैंने इसमें एक अलग से प्रोटेक्शन लिया है जो है टायर एंड ग्लास प्रोटेक्शन, तो अगर टायर और ग्लास में कोई भी डैमेज आता है तो उसके लिए कोई भी लाइबिलिटी मेरी नहीं होगी। तो चलिए अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कार है ये कोई बहुत बड़ी कार नहीं है, मिड सेगमेंट की कार है, सियाट अरोना, और ये मैंने इसलिए और ली थी। पहले से हिंदी गाने चल रहे हैं, यूके में आप इस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं, तो यहाँ पर हिंदी रेडियो वगैरह भी है। तो गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं इसमें, नेविगेशन वगैरह भी है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ऐसे रेंटल कार पिकअप करने से पहले कि आप हमेशा उसको सही से देख लें कि उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, बाहर भी अंदर भी, उसका वीडियो और फोटोज़ ले लें, जो कि मैंने ऑलरेडी कर चुका है, और इसमें कोई भी ऐसा डैमेज वगैरह नहीं है। और इसमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपको फ्यूल फुल मिलता है और आपको फुल में ही वापस करनी होती है। इसमें हालांकि फ्यूल फुल नहीं है तो उसने बोला है कि इसमें 3/4 मतलब 75% तक टैंक भरा हुआ है, तो उसने बोला है कि आप इतने ही लेवल पे वापस कर दोगे तो सही है। और दूसरी चीज़ जो होती है कार रेंटल करने में जो मैं हमेशा करता हूँ वो ये है कि आप उसकी सेटिंग से अच्छे तरीके से फेमिलियर हो जाओ कि उसकी सीट वगैरह एडजस्ट कर लो, स्टीयरिंग एडजस्ट कर लो। इससे इंडिकेटर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ये वाइपर का है, सीट एडजस्ट, मिरर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गाड़ी निकालने से पहले मिरर्स एडजस्ट कर लो, रियर व्यू मिरर्स, बैक मिरर। और एक और चीज़ है, जैसे मैं ज़्यादातर यूरोप में गाड़ी चलाता हूँ तो वहाँ पे ड्राइविंग का डायरेक्शन अलग होती है, स्टीयरिंग अलग होता है, अब राइट में गाड़ी चलाते हो, और ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि स्टीयरिंग इसका राइट में है, हम लेफ्ट में गाड़ी चलाएंगे, एकदम इंडिया की तरह चलाएंगे। हालांकि मुझे उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा थोड़ी मुश्किल आ सकती है, और वही हम देखेंगे इसमें कि कितनी मुश्किल आती है, कितना ईजी रहता है यूके में गाड़ी ड्राइव करना। रूल्स तो वैसे यूरोप के जैसे ही होते हैं, यहाँ पे जैसे यूरोप के रूल्स होते हैं सेम वही होते हैं, बस डायरेक्शन अलग है, थोड़ा बहुत रोड वगैरह ट्रैफिक अलग हो सकता है, तो वो चीज़ जब चलाएंगे तब पता चलेगी। फिलहाल मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कि कैसा होता है यहाँ का एक्सपीरियंस। सारी मेरी चीज़ें हो गई हैं, सामान हमने गाड़ी में पीछे रख लिया है, मिरर्स एडजस्ट कर लिए हैं, स्टीयरिंग एडजस्ट कर ली है, सीट एडजस्ट कर ली है, सारी सेटिंग देख ली हैं, हैंड ब्रेक वगैरह कैसे लगाना है, ब्रेक्स कैसे लगेंगे, एक्सीलेटर, ये सब। ये मैनुअल कार है, गियर्स इसके इसमें मेंशन है, नॉर्मल गियर्स हैं जैसे हर गाड़ी में होते हैं। और ये जैसे कि सीएट की गाड़ी है तो इसका जो रिवर्स है वो फोक्स वैगन की तरह होता है, नीचे दबा के आपको रिवर्स वाली डायरेक्शन में ले जाना है। तो ये जो कार है इसके लिए हमने पे करे हैं 3 दिन के 190 पाउंड्स और इसमें हमारा बेसिक प्रोटेक्शन कवर था जिसमें कि हमें 2000 का एक्सेस देना था। अब यहाँ पर आके मैंने जैसे टायर और विंडशील्ड का अलग से प्रोटेक्शन लिया है, मतलब टायर और ग्लासेस का, तो उसके लिए मुझे पे करने पड़े हैं 36 पाउंड्स एक्स्ट्रा 3 दिन के। और इसके अलावा इन्होंने 200 पाउंड का एक क्रेडिट कार्ड से ब्लॉक करवाया है अमाउंट, जैसे कि अगर कोई भी डैमेज होता है कार में तो वो उसी से डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये इसके प्राइसेस हैं, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में पड़ गई है। Left. तो हम
लोग यहाँ से अब निकल चुके हैं और गाड़ी चलाते टाइम मुझे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गाड़ी को हमेशा लेफ्ट में रखना है। ओके, तो अब हमने स्टार्ट कर दिया है, नेविगेशन लगा दिया है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा हाथ राइट में जा रहा है गियर चेंज करने के लिए, जबकि गियर लेफ्ट में है। उसने बोला कि राइट टर्न ले रहा है। Please take the fourth exit. ओके, तो राउंड अबाउट यहाँ पे जो राउंड अबाउट आया है अभी, इसमें एक चीज ये थी कि जैसे पहले कोई राउंड अबाउट पे है तो उसको आपको निकलने की प्रायोरिटी देनी है। Now take the third exit left towards M42 Coventry. अब जैसे आप निकल रहे होगे तब आपको इंडिकेटर देके इंडिकेट करना है कि आप राउंड अबाउट छोड़ रहे हो। और एक चीज ये होती है, जैसे आप कहीं और जैसे जर्मनी में चला रहे हो तो वहां पर आपको ट्रैफिक आ रहा होता है लेफ्ट से, यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा होता है राइट से, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि राइट से जो गाड़ी आ रही है और जो राउंड अबाउट पे पहले से है उसको आपको निकलने की प्रायोरिटी देनी है। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि स्पीड लिमिट क्या है। तो यहाँ पे 50 की स्पीड लिमिट आ रही है और इसका मतलब है 50 माइल्स, तो हम 50 पे चला रहे हैं गाड़ी। ये 50 किलोमीटर वाली स्पीड नहीं है, काफी तेज चल रही गाड़ी, लगभग 100 की स्पीड पे। Please keep right at 1 mile and continue to follow the road towards M5. लोग अभी चल रहे हैं हाईवे पे, यहाँ पे ये यहाँ का एक तरीके से एक्सप्रेस वे है और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो है 50 miles per hour की, जो कि जगह जगह लिख के आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार ड्राइव करोगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पीड लिमिट पे गाड़ी चलाओ अपनी। और दूसरी चीज़ है कि मैं ये राइट वाली स्टीयरिंग वाली गाड़ी चला रहा हूँ, जो कि इंडिया में भी सेम होती है, लेकिन अभी फिलहाल मेरी आदत है लेफ्ट वाली चलाने की। तो मेरी नज़र बराबर रियर व्यू मिरर के लिए इधर जा रही है, जबकि वो मिरर यहाँ पे है, तो उसको होने में थोड़ा उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वजह से मैं थोड़ा लेन का भी मेरे को परेशानी आ रही थी स्टार्टिंग में कि मैं इस साइड मेरी गाड़ी ज्यादा जा रही थी लेफ्ट हैंड की साइड पे, तो लेफ्ट वाली लेन के ऊपर चला रहा था मैं। तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सही चला रहा हूँ। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि गाड़ी आप हमेशा लेन के बीचों बीच में चलाएं, और जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि आप किस लेन में चल रहे हो, हमेशा लेन के बीचों बीच में दोनों मिरर्स को देख के और लेन के बीच में गाड़ी चलाओ और स्पीड लिमिट को फॉलो करो। और उसके अलावा तो स्मूथ ही चल रही है गाड़ी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सारे साइंस वगैरह यहाँ बने हुए हैं कि कौन सा हाईवे किधर जा रहा है। बाकी यहाँ पे सारी चीज माइल्स पे होती है, तो अगर आप गाड़ी यहाँ से रेंट कर रहे हो तो वो ऑलरेडी माइल्स में आएगी, लेकिन आप अगर कहीं और से गाड़ी लेके आ रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर वो किलोमीटर्स में है तो उसको खुद ही कन्वर्ट कर लोगे माइल्स के अकॉर्डिंग गाड़ी चलाओ। तो हमारी जो जर्नी है वो अभी यहाँ से 200 माइल्स लगभग हमें चलना है और हम जा रहे हैं बर्मिंघम से एकदम साउथ की साइड में। एक सिटी है जिसका नाम है बॉर्नमाउथ, उसके पास एक छोटा सा बीच है जिसका नाम है डर्डनलोर, जो कि काफी सुंदर है, तो उसको देखने का प्लान है। ड्राइविंग का एक्सपीरियंस काफी अलग है, यहाँ का ट्रैफिक भी अलग है, सब लोग वैसे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, हर कोई अपनी लेन में चल रहा है, एकदम से लेन चेंज नहीं कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो अगर आप गाड़ी रेंट कर रहे हो किसी ऐसे फॉरेन कंट्री में आके, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमेटिक कार लो, जिससे कि आपका मतलब मैनुअल जो सेटिंग्स होती है उनमें उनको यूज करने में दिमाग खराब ना हो। लेकिन ये वाली मैनुअल कार है, हालांकि अभी तक मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं आ रही है इसे चलाने में। दूसरी चीज ऑटोमेटिक नहीं रहता है कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्टेंट वगैरह रहता है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, आप लेन पे प्रॉपर रहोगे, अगर नहीं रहोगे तो वो वार्निंग देगा, तो इसलिए ऑटोमेटेड कार लेना थोड़ा अच्छा।
थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करे हुए हैं, तो मैं नॉर्मल चल रहा हूँ मिडिल वाली पे। लेकिन अगर मुझे ओवरटेक करना होगा तो फिर मुझे राइट में जाना होगा, तो वहां से ओवरटेक करके फिर अपनी इस लेन पे वापस आ जाऊंगा। और ये सेम है इंडिया की तरह ही, क्योंकि इंडिया में भी हम ऐसे करते हैं, लेकिन वहाँ एक चीज ये है कि इतना कोई फॉलो नहीं करता है। ट्रक वाले एकदम राइट में चल रहे होते हैं, फिर लेफ्ट से गाड़ी निकालते हैं लोग। तो अगर आप इंडिया से यहाँ चलाने आ रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखो कि जब आपको ओवरटेक करना है तभी ओवरटेकिंग लेन पे जाओ। अब यहाँ पे आगे जो साइन आ रहा है आपको ऊपर दिख रहा है, ये है नो स्पीड। अगर जर्मनी में ऐसा साइन आ जाता है तो मैं एक तरीके से, एक आपको कितनी भी स्पीड लिमिट, कितनी भी चला सकते हो, कोई स्पीड लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ मैक्सिमम स्पीड होती होगी, मतलब मैक्सिमम आप इतनी चला सकते हो। हमें अभी हो गया है लगभग एक घंटे से ऊपर गाड़ी ड्राइव करते हुए। फिर मैंने सोचा कि ब्रेक लेते हैं, गाड़ी में भी बीच बीच में वार्निंग आ रही थी कि टेक अ ब्रेक। मेरे ख्याल से एक डेढ़ घंटा हो गया होगा मतलब तब से चलते हुए, और तब से हमारा जो हमारी जर्नी है रोड की ठीक ठाक चल रही है, नॉर्मल एकदम, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो अपना चल रहे हैं। और ये जो ब्रेक हमने लिया है ये एक रोड के साइड में एक पार्किंग स्पेस है, उस पर रुक गए हैं। वैसे मैं सोचा था कि बीच बीच में जैसे बड़े बड़े यहाँ पर यूके के हाई तो शोर आ रहा है गाड़ियों में निकलने देते हैं, तो यूके के जो हाईवेज होते हैं इस पर बीच बीच में स्टॉप्स पड़ते हैं, उनको बोलते हैं सर्विसेज। उसमें आपको पेट्रोल मिल जाता है, कुछ जैसे आप रिफ्रेशमेंट वगैरह अपना खाने पीने का सामान ले सकते हो, तो वो बीच में पड़ा था एक आध मिस हो गए, यहाँ स्पेस मिली थी, यहाँ ब्रेक ले लिया है। अब थोड़ा सा निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बाकी गाड़ी ड्राइव करने का एक्सपीरियंस अब तक अच्छा रहा है, और नॉर्मल रूल्स हैं यहाँ पे जो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं, स्पीड लिमिट फॉलो करना, लेन में ड्राइव करना, प्रायोरिटी वाले जो होते हैं कि आप राउंड अबाउट पे हैं तो आपसे पहले जो राउंड अबाउट पे है वो अपनी वो उसकी प्रायोरिटी रहती है, मतलब ये सारे रूल्स हैं वही फॉलो करके आप जा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऊपर से अगर आप इंडिया में गाड़ी चलाते हो तो आपको ड्राइविंग डायरेक्शन की भी कोई इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। ब्रेक लेने के बाद जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, आधा किलोमीटर चले होंगे तो बस मैं सर्विसेज का साइन दिख गया। फिर मैंने सोचा कि अभी सर्विसेज पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं। और यही है हमारा सर्विस जिसकी कि मैं बात कर रहा था कि जो हाईवे पर बीच बीच में पड़ते रहते हैं। यहाँ पर हमारा पेट्रोल भी है, मतलब पेट्रोल स्टेशन भी है, पेट्रोल डलवा सकते हो आप। फिलहाल इस वाली गाड़ी में पेट्रोल की इतनी ज़रूरत नहीं है, हाफ टैंक तो अभी है ही, तो आगे चलाएंगे पेट्रोल। अभी बस ऐसी ब्रेक लेते हैं वॉशरूम वगैरह का। और यहाँ पर ये जो पेट्रोल की प्राइस है वो है 146 पेंस, रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लगभग हो जाएगा 130 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग जब हमने लास्ट ब्रेक लिया था उसके बाद से लगभग एक घंटा हो चुका है या फिर उससे ऊपर हो गया होगा। और हम यहाँ पर मस्त एक हाईवे पे चल रहे हैं, बहुत बड़ा हाईवे नहीं है ये, दो लेन्स वाला हाईवे है, काफ़ी ट्रैफिक भी है इस पर। और मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी बीच रास्ते में भी, पिछले स्टॉप पर हमने एक कॉफ़ी और सबवे ले लिया था तो उसके बाद थोड़ी नींद आना शुरू हुई थी। अभी मुझे थोड़ा पानी लेना है क्योंकि प्यास भी लग रही है, और थोड़ा पानी पी के नींद भी भाग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक सुपरमार्केट का एड्रेस लगाया था और वो थोड़ी देर में आने वाला है, तो बस हम सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ से थोड़ा पानी लेते हैं। तो अभी हम इस हाईवे से एग्जिट लेने वाले हैं
और यहाँ पे जो यूके में एग्जिट का सिस्टम होता है वो मुझे थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि यहाँ से आप जैसे एग्जिट लोगे तो आपको फिर गोल चक्कर आता है, और गोल चक्कर से आप या तो उस हाईवे से एग्जिट कर सकते हो या फिर दोबारा उस हाईवे पे चढ़ सकते हो, नहीं तो दूसरे हाईवे से कनेक्ट हो जाते हो। तो ये चीज मैंने पहले देखी नहीं थी कहीं पे, ना इंडिया में ना यूरोप में, और यहाँ पे थोड़ी सी अलग थी। मेन तो हमें पानी लेना था, लेकिन फिर हम जब वहाँ गए तो हमने थोड़ा और सामान ले लिया खाने पीने का, थोड़ा चाय भी ले लिया, अदरक भी ले लिया है। और एक चीज़ यह है कि वैसे हाईवे पे तो गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर इस सुपर मार्केट जाने के लिए मैंने टर्न लिया था, तो उसके बाद बहुत सारे राउंड अबाउट आ रहे थे, बहुत सारे मोड़ आ रहे थे, गूगल मैप्स जो लोकेशन दिखा रहा था उस तक पहुँचने में थोड़ी सी हालत टाइट हो गई, क्योंकि कहीं कहीं पे गलत मोड़ हो जा रहा था, कहीं कहीं पे समझ भी नहीं आ रहा था कि किधर लेके जाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो जैसे मैंने हाईवे पे गाड़ी चलाई है तो कोई दिक्कत नहीं आई, शायद सिटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, लेट्स सी। काफी लंबा और कंफ्यूजिंग गोल चक्कर था। Please follow the M348 miles. खैर पार कर लिए। तो यहाँ पे काफी सारे गोल चक्कर आते हैं बीच बीच में, बस यही एक थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गोल चक्कर है यूरोप के कंपैरिजन में और इंडिया के कंपैरिजन में। अब हम लोग फिर से आ गए हाईवे पे, और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है अभी तक कुछ आई नहीं है, तो इसका मतलब स्पीड लिमिट होनी चाहिए 70 माइल्स पर आवर। तो अभी हम इस हाईवे को एग्जिट करने वाले हैं, और एग्जिट करने के लिए हमें एकदम लेफ्ट में आना होता है। अब ये हाईवे हमने यहाँ छोड़ दिया, हम इस वाले लेन से आगे से एग्जिट करेंगे। अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये देखो सिटी का ट्रैफिक कैसा है यहाँ पे यूके में। और अभी जो स्पीड लिमिट चल रही है वो है 30 माइल्स पर आवर, और बीच बीच में ट्रैफिक लाइट्स आ रही हैं और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, और सिटी में चलाने में भी कोई खास परेशानी नहीं हो रही है, बस ये है कि लाइट्स देखते रहो, स्पीड लिमिट ऑब्जर्व करते रहो और ट्रैफिक के पीछे चलते रहो। बीच बीच में बड़े बड़े गोल चक्कर आ रहे हैं, तो उसमें बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ एग्जिट करना है। अगर गोल चक्कर आते ही आपको लेफ्ट एग्जिट करना है तो एकदम लेफ्ट मोस्ट रहो, अगर आपको पहले दूसरे या तीसरे एग्जिट पे एग्जिट करना है तो फिर यह है कि राइट से एंटर करो गोल चक्कर पे, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना फर्स्ट एग्जिट सेकेंड एग्जिट या आपका मैप आपको बताता रहेगा कि कौन सा एग्जिट है आपका, फिर उसमें एग्जिट कर जाओ। Please turn right at the end of the road onto the B3061. Now turn right onto the B3061. चल रहे हैं सिटी में, ये देखो सिटी का अभी इस टाइम ट्रैफिक नहीं है और बिल्कुल सिटी वाला एरिया है, अगल बगल में घर हैं, नीचे मार्केट है,
स्पीड लिमिट जो थी 30 की थी गलियों गलियों में, अब यहाँ पे शायद पता नहीं कितने की स्पीड लिमिट है एग्जैक्टली, पता नहीं कहीं लिखा तो हुआ नहीं है, तो मैं 20 पे चल रहा हूँ। तो पहुँच गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, यही है वो जगह जहाँ पे मुझे आना था, और हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। पूरे रास्ते में कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई, पहली बार यूके में गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छा लगा, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो राइट डाउन इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।